अजीब गरीब कारनामों के लिए जानी जाने वाली बॉलीवुड की हॉट एक्ट्रेस राखी सावंत 25 नवंबर को अपना 41वां जन्मदिन मना रही थी। वो आए दिन सोशल मीडिया पर सुर्खियों में बनी रहती हैं। अक्सर आपने देखा होगा राखी बॉलीवुड में किसी न किसी कारण से चर्चा में आ ही जाती हैं, जिसके कारण लोग उन्हें और ज़्यादा ट्रोल करने लगते हैं और आए दिन वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फोटोज और वीडियो शेयर कर इंटरनेट पर धमाल मचा देती हैं। लेकिन राखी ने अपना बचपन कई तरह की दिक्कतों और डर में गुजारा है। आइए जानते हैं इस खास मौके पर उनसे जुड़ी कुछ बातें। जब राखी 11 साल की थी तो उन्होंने टीना अंबानी की शादी में लोगों को खाना सर्व किया था और आज वो मुंबई के पॉश इलाके में आलिशान बंगले में रहती है। छोटी सी उम्र में राखी ने डांडिया नाचने की जिद की थी, तब उनकी माँ और मामा ने मिलकर राखी के लंबे बाल काट दिए थे। राखी पूरे दिन आईने के सामने खड़ी होकर रोई थी। उसी दिन राखी ने यह फैसला कर लिया था कि वो अपने परिवार के खिलाफ जाकर ही सारे काम करेंगी। राखी कई बार खुद बता चुकी है कि वो ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं जहां उनकी मर्जी से लड़कियों को कुछ भी करने को नहीं मिलता। इसी के साथ उनके परिवार में किसी भी महिला को किसी भी पुरुष से आँख मिलाने की इजाज़त नहीं है। राखी ने बताया कि इतना सब होने के बाद भी घर वाले पैसे कमाने के नाम पर लड़कियों से कुछ भी करा सकते थे। 10 साल की उम्र में परिवार वालों ने राखी से टीना अंबानी की शादी में खाना सर्व करवाया था। केटरिंग के इस काम के लिए उन्हें हर रोज़ के 50 रुपए मिलते थे। राखी ने जब फिल्म इंडस्ट्री में आने का सोचा तब उनके पास अच्छे कपड़े नहीं थे। इसके चलते राखी ने अपने आप को पूरी दुनिया में साबित करने के लिए एक्टिंग, डांसिंग और यहाँ तक कि राजनीति भी की। राखी सावंत और अभिषेक अवस्थी की मुलाकात राखी के स्वयंवर पर हुई। इसके बाद दोनों ने शादी का फैसला लिया। हालांकि कुछ दिनों बाद दोनों अलग हो गए। राखी ने टीवी पर अपना स्वयंवर भी रचाया, लेकिन असल जिंदगी में राखी कभी भी शादी नहीं करना चाहती है और ना ही उन्हें बच्चों का शौक है। इसकी वजह राखी ने बताई कि वो अपने परिवार से बहुत परेशान हो चुकी हैं, इसलिए वो कभी भी शादी नहीं करना चाहती, वो सिर्फ समाज सेवा करना चाहती हैं। आपको बता दें राखी सावंत 30 करोड़ की मालकिन। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।